अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम करो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वो देखो दही खा रहा है पागल लड़के, मुंह पे लगा हुआ सारा। आज है इनके बच्चों की नानों का नया घर बना है तो कुरान खानी है, तो आज हम लोग वहाँ पे आए, देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। अच्छा तो ये बाहर टेंट लग रहे हैं, यहाँ सिपारे वगैरह पड़ेंगे लेडीज और जेंट्स अलग अलग, और वो है बच्चों की नानों का घर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फिर आज हम कहाँ चल रहे हैं फिजा? नानों का नया घर बना है तो आज ना सारे वो आएंगे, मेहमान वगैरह आएंगे, मतलब हमारी फैमिली के भी और भी लोग आएंगे, तो आज कुरान खानी क्योंकि नानों का नया घर बना इसलिए। जी आज है यहाँ पे कुरान खानी और खाना शाना सब मिलके खाएंगे, गेस्ट आ रहे हैं सारे यहाँ पर, तो चलें आपको दिखाते हैं नानों का घर, अयान और फिजा की नानों का घर। चलें आए चलते हैं। ये देखिए ये हमारी नानों का घर। जबरदस्त है जी, बहुत प्यारा है, लेकिन अभी थोड़े काम चल रहे हैं, रहते हैं, ईद की वजह से बंद हो गए थे, बस अभी ईद ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको, छोटे मोटे जो काम रह गए हैं वो मुकम्मल होंगे। आए फिर चलते हैं अंदर, अभी मुकम्मल सेटिंग नहीं हुई, सेटिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स ये है नानो का टीवी लॉन, ये देखें हरीम है ये और अहमद भी बैठा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अभी यहाँ पे और भी चीज़ें होनी है, और ये है नानो का बेडरूम, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें लगेंगी, कर्टन्स लगने हैं, चीज़ें मैनेज होनी है अभी काफ़ी सारी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें ये है किचन, बस अभी आपको बताया ना कि सेटिंग वेटिंग अभी चल रही है, अभी दो तीन दिन हुए सेटिंग अपना शिफ्ट हुए हुए, फ्रिज हमने नया लिया था। कौन सा फ्रिज है भैया बताओ? डोलेंस, डोलेंस का है, बस ये कैटरिंग का सामान आया हुआ खाने के वाले से, तो हंसी ऐसे निजाम अभी सेट होने वाला है। यार यार फ्रिज भी क्या कुछ है, हाँ जी एक किटकैट है, पानी के बर्तन पड़े हैं जी बर्फ के लिए, और ये कुछ सैब्रो के कुछ टिक्के शिक्कियाँ लग रही हैं, कबाब शबाब पड़े हुए हैं, वेरी गुड जी। ये कीमा लग रहा है, गोश्त गोश्त गोश्त, और अब नीचे देखते हैं नीचे, ओहो ये तो कमाल हो गया जी, यहाँ तो बोतलें बोतलें, ये तो जूस का डब्बा भी है, लगता है दुकान खोलने का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी बिल्कुल, क्योंकि आज घर में गेस्ट आने हैं उस हवाले से काफी स्टॉक इकट्ठा किया है। अब हम आपको ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं, चलो जी चलते हैं ऊपर, और सब ईद के बाद काम शुरू होना है दोबारा, तो फिर आपको बाद में प्रॉपर सेट हुआ हुआ दिखाएंगे। तो आज गेस्ट आ रहे हैं इस वजह से इसको हमने जल्दी जल्दी में सेट किया है, शिफ्ट हो गए यहाँ पे। लो जी ये देख रही है यहाँ पे सिटिंग एरिया, और साथ यहाँ ऊपर किचन, नॉर्मल ट्रेंड ही चल रहा है आजकल ओपन किचन का, छोटा मॉडल बहुत अच्छा। क्यों भाई फिजा? अच्छा किचन तो मुझे इधर का जो सबसे अच्छा लगा ना वो मुझे लगा इधर का किचन, ठीक है ना, किचन बहुत प्यारा है। फिर यहाँ से हम जाते हैं तो बाहर पे ओपन खिड़की विड़की है यहाँ पे वेंटिलेशन के हवाले से, पीछे हमारे ओपन मैदान पड़ा हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ ऊपर के पोर्शन का पहला बेडरूम है, ये देखिए ये सफा खड़ी है, अभी यहाँ पे बेड तो नहीं आया, बेड आना है, हाँ बेड है, एसी है, सारी चीजें हुई हुई हैं, तो हाँ जी ये क्या है यार यहाँ पे? अच्छा यहाँ टेरेस है ना छोटा सा एक, ये देखें छोटा सा टेरेस, और यहाँ से ओपन है,
बाहर का नजारा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने आपको दिखाया है, लेकिन अभी कुछ कुछ रहता था काम होने वाला, तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि जो मेहमान है वो आने वाले हैं, थोड़ी सी देर रह गई है वो। फिर जब हम लोग कपड़े चेंज कर लेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए ये टेंट है जहाँ पर सारे मेहमान रहेंगे बैठे जी। अभी अभी अंदर से दिखाते हैं ये एंट्रेंस। ये रखे चेयर्स नजर आ रही, ये मेरे ख्याल से जेंट्स का है शायद, पंखे भी लगे हुए। और अब दूसरी साइड दिखाते हैं। हाँ दूसरी साइड दिखाते हैं, ये भी यहाँ पे अच्छा माहौल हुआ है। ये टेबल मान आना शुरू हो गया माशाल्लाह से, सितारा भी पढ़ रहे हैं बच्चे। मेहमानों की अहमद कुछ शुरू हो चुकी थी, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला और भी आ जाएंगे। आप कहाँ धूप में फिर रहे हो, चलो जाके अंदर बैठो। रॉकी कहाँ से आया, दो कुत्ते आए थे उनको भगा। वो देखो हरीम भी आई है, हरीम इधर आओ। आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया, सिपारा नहीं पढ़ना था आपने? मैं तो पढ़ के आ गई। देखते हैं नानो क्या कर रहे हैं। रखे पास क्या कर रहे हो यार आप लोग यहाँ पे? वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सेटअप पढ़ लिया आप लोगों ने? जी जी। ओह गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या पढ़ा? بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكرم وعليه وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في مسلمان بے اولاد ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جہاں کہیں بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو براسی عطا فرما امت مسلمہ کا آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نیک بنا ماں باپ کا جو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما بڑے کا ادب چھوٹے پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین خاص الخاص جس مقصد کے لیے یہ قرآن مجید खाना खिलाने की वाफी हो रही है डिशों की। तो
हम उसको खा चुके हैं खाना नहीं जी माशाल्लाह खाया गया। ये थोड़ी दिक्कत बच गया, मतलब ये अब जिन लोगों ने सर्व किया है वो बैठ के खाएंगे इसको। और जरदा बचा हुआ है, इसको भी हम बर्तनों में निकालते हैं ताकि जो कैटरिंग वाले हैं वो अपना सामान वाइंड अप करें, अपनी ड्यूटी पे पहुंचे आगे। काफ़ी लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अब बाहर निकल आए हैं क्योंकि अंदर बैठे बैठे भी सब तंग आ चुके थे, खाना वगैरह खा लिया सबने। ये अम्मी आ रही हैं, क्या कर रहे हो? इसकी गन मैं देती हूँ। क्या कर रहे हो बच्चों रोकी के साथ? ये रोकी कैमरा बंद कर, ये इतना स्लो भी कर रहा है आपका फोन। नहीं जी खाना बन चुका है, दिखाई नहीं क्या कुछ उसका जबरदस्ती, तो भरपूर लोडेड जर्दा है और इसमें है कोरमा जबरदस्ती। इसमें क्या है जी? इसमें भी कोरमा है, इसमें भी कोरमा है जबरदस्त। मतलब खाना लग रहा है गुआ हो चुकी है, खाने का इंतजाम से टोरा है, बर्तन रखे जा रहे हैं। ये देखे अश्वेय पकड़, तू मान पकड़ ले, तीन लेके किधर ले आए दे। वो तो लड़कों इधर हाय देखते कहाँ जा रहा है, इधर देखते असल में कहाँ जा रहा है, ये देखते वो उधर रखो एक वाला, ये वाला वो उधर आगे, यहाँ पे काम चल रहा है मीठे चावल जरदा है। तो फिर हम लोग आप ही पहुँच गए, हाँ फिर से बाहर चलते हैं। ओ वाओ जर्दा, तो मैंने अभी गुलाब जामुन लिया, बड़ा मजे का था, आप भी खाएं, आ जाएं आप भी, ये रखे और भी डल रेड खाता हूँ और लो। ये रखे हम तीनों इसमें खाएं मेरी अयान रियान भी बैठ गए यहाँ पे, असद भी, इनको तो भूख ने कर दिया था। क्यों भी चाहिए आप लोगों कुछ हैं? असद यान खान चाहिए यार कुछ? लो जी आ रियान खान अब कोल्ड ड्रिंक शुरू करने लगा है। अयान यार कोल्ड ड्रिंक ना पियो, खांसियाँ नजली होने पहले भी हैं। अच्छा सारे एक बार इधर देखो, वाओ ये।
ये लाइन है चाची की ये खोला नहीं है क्योंकि हमें बाइक से ही पता चल गया है कि ये क्रीम सेट है और बहुत प्यारा है। नहीं आप इसको थैंक यू चाची केक लेके आई ले जरूर बहुत प्यारा है ये सारे गिफ्ट पड़े जी। अब वाइंड अप हो रहा काम सारा टेंट वाले आ गए और अपना अपना सामान वाइंड अप कर रहे हैं। फिजा किधर फिर रही हो भैया आप किसके पास रॉकी रॉकी को के पास क्यों जा रहे हो भाई काट लेगा आप लोगों को ध्यान करो हैं है? अच्छा यहाँ देखिए बच्चे खेल कूद में लगे हुए दिन काफी गर्म था लेकिन ये टेंट वगैरह लगने के बाद काफी बेहतर हो गया था निज़ाम पंखे चल गए थे और काफी कवर हो गया उससे आज दिन काफी गर्म था। ये बच्चे कह रहे हैं खरीम यान सूरज ग्रुप होते हुए सूरज तीन हां ये रिंग क्या हो रहा है हैं वो बॉल आ गई और ये अब्दुलमान आया बॉल के पीछे और यहाँ पर क्रिकेट चल रही है जी। तो फ्रेंड्स ईद का तीसरा दिन हमारा इस तरह गुजरा नए घर की शिफ्टिंग वहाँ पर कुरान खानी तमाम लाहौर फैमिली मेंबर्स का वहाँ पे इकट्ठा होना एक अच्छी गेट टुगेदर ईद के तीसरे दिन बड़ा मज़ा आया बड़ा एंजॉय किया सबने। तो अब आपसे भी इजाज़त इंशाल्लाह अगले किसी ब्लॉग वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।